आज हम लोग सुरेश के साथ हैं। सुरेश एक यूपीएससी एस्पिरेंट है। सुरेश ने 2023 का यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, जिसके अंदर आउट ऑफ सिलेबस बहुत सारे सवाल आए। अब हम सुरेश से पूछते हैं कि ये आउट ऑफ सिलेबस जो सवाल आए, उनको किस हिसाब से लाया गया, क्या वो लीगली करेक्ट थे, और यूपीएससी की स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस क्या कहती हैं कि कौन से सवाल आ सकते हैं और कौन से सवाल नहीं आ सकते, और इन सवालों से बच्चे कैसे इफ़ेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे डिसेबल्ड कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ क्लास 8 तक का मैथ आ सकता है। तो चलिए सुरेश से पूछते हैं कि उसके साथ क्या हुआ है। 2023 में हम लोग ने प्रिलिमिनरी एग्जाम ने दिया था। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस फाइंड आउट किया था। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ द यूपीएससी एंड नोटिफिकेशन फ्रॉम द डीओपीटी सर, सिलेबस शुड बी ऑफ 10th स्टैंडर्ड, बेसिक न्यूमरेसी एंड बेसिक न्यूमरी सर बेसिक न्यूमरेसी क्या होता है? सर नंबर सिस्टम्स, एड्रेस एंड मैग्नीट्यूड रिलेटेड टू नंबर्स सर मतलब एक्चुअली। उसके अंदर आप रूट रूट्स और प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर सकते? नहीं सर, बेसिक न्यूमेरिसी में प्रोबेबिलिटी नहीं होता सर, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस नहीं होता सर मोस्टली। जो अच्छा यूपीएससी सीसेट में परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस दिया गया था सर, वो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस चैप्टर इंडिया में कोई भी स्टेट बोर्ड में या एनसीईआरटी में 10th क्लास लेवल तक नहीं होता सर, तो कहाँ होता है? वो 11th क्लास में होता है सर। कुछ स्टेट्स बोर्ड्स में या एनसीईआरटी में 11th क्लास में शुरू होता है सर, कुछ स्टेट्स बोर्ड्स में 12th में शुरू होता है सर। इन आंध्र प्रदेश इट वॉज इन 12th क्लास सर, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस सर नहीं तो ये सम। कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं? मतलब ये तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि एलिमेंट्री से ऊपर का मैथ्स हो गया, यस सर, सीनियर सेकेंडरी का मैथ्स कहेंगे उसको। यस सर, तो अगर ये इलेवेंथ सीनियर सेकेंडरी का मैथ्स है, तो ये कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है? सर मोस्टली आईआईटी जेईई सर, बोर्ड एग्जाम्स में भी होता है सर उसी उसी तरह क्वेश्चंस। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आईआईटी जेईई में ज़्यादा प्रॉबिलिटी होता है सर अच्छा, इस तरह तो क्वेश्चंस। आप लोगों को तो इतना क्रूड अप होंगे ही नहीं आप, क्योंकि आपने शायद कई लोगों ने 10th तक ही मैथ्स पढ़ा होगा, यस सर, या कुछ लोगों ने शायद 12th में भी पढ़ा होगा, या उन्होंने इंजीनियरिंग करी होगी। यस सर, बट इससे जो बच्चों ने 10th के बाद मैथ्स नहीं पढ़ा, आपका कहने का मतलब यह है कि वो पेपर दे ही नहीं पाएंगे। यस सर, डेफिनेटली सर। अच्छा, तो आप इसके ऊपर क्या कह कहेंगे? मतलब आपको क्या लगता है कि स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस का इसमें वायलेशन हुआ है? यस सर, यस सर, इट वॉज वायलेशन बाई यूपीएससी एंड डीओपीटी हैज नॉट टेकन केयर ऑफ दिस सर। देर इज नो एक्शन ऑन यू देर इज नो एक्शन ऑन यूपीएससी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो सर रिगार्डिंग दिस। नहीं, बट आज जहाँ तक मुझे पता है, ये मैटर जो था, यस सर, इट वॉज रेज्ड इन दी पार्लियामेंट। कपिल सिब्बल जी ने शायद, जो जो सीनियर यस सर, एडवोकेट भी हैं, ही रेक्ड अप दिस मैटर। यस सर, ही सेड दैट इट शुड बी टेकन इन टू कंसिडरेशन, यस सर, एंड देर वॉज सम स्टेटमेंट फ्रॉम सर्टन अदर लीडर्स ऑल्सो। यस सर, सो बट देर इज नो एक्शन ऑन दिस एज ऑफ नाउ। यस सर, नो एक्शन सर। उन्होंने उसका हॉनरेबल मिनिस्टर ने रिप्लाई दिया था, ये मैटर इज इन द कोर्ट्स, इट वाज गोइंग ऑन, यूपीएससी इज टेकिंग केयर ऑफ इट, वी नीड नॉट टू इंटरफेयर लाइक दैट ही टोल्ड। बट इट्स अ पॉलिसी मैटर, राइट? इज इट अ पॉलिसी मैटर और इट्स अ जुडिशियल मैटर? सर आउट ऑफ सिलेबस इज एक्चुअली इट इज स्टैट्यूटरी प्रोविजन सर, इट शुड बी फॉलोड फ्रॉम द स्टैट्यूटरी रूल्स, तो सो इट कैन नॉट बी स्टैट्यूटरी, पॉलिसी मैटर सर, नो, यू बट कैन। जो स्टैट्यूटरी रूल है यस सर, वो तो डीओपीटी बना रही है। यस सर, तो डीओपीटी अगर रूल बना रही है, यस तो सर, वो तो एक पॉलिसी और सिलेक्शन प्रोसीजर की पॉलिसी हुई ना कि कैसा पेपर बनेगा। तो अगर वो पॉलिसी मैटर है, यस सर, तो उसके अंदर तो डिपार्टमेंटल इंटरफेरेंस हो सकता है। तो आप लोग ने जब कोर्ट के पास आप लोग गए, तो यस कोर्ट ने क्या बोला अभी तक आपको? सर, कुछ लोग हमने कैट में गया था सर, 14 पिटिशनर्स में, तो कैट ने कहा था द क्वेश्चंस आर प्रिपेयर्ड बाय द एक्सपर्ट्स, सो वी कैन नॉट इंटरफेयर, वी कैन नॉट क्वेश्चन नॉलेज एंड विजडम ऑफ द एक्सपर्ट्स। नहीं, बट इसमें नॉलेज की तो बात ही नहीं है ना। ये तो वो बात हो गई कि एक होम्योपैथी का डॉक्टर है और आप उसको कह रहे हैं हार्ट सर्जरी कर दो। और कैट में जजेस इतना तक बोलते हैं कि 12th क्लास, अगर 10th क्लास का 12th क्लास का ज़्यादा डिफरेंस क्या होता है, और इतना तक कहते हैं कि सर सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है टेंथ देखिए, स्टैंडर्ड। वी विल नॉट टॉक अबाउट व्हाट द जजेस से, यस सर, बिकॉज सी दे आर ऑल्सो सिटिंग देयर विद अ लॉट ऑफ विजडम एंड एक्सपीरियंस। यस सर, बट द क्वेश्चन इज, व्हाट आर द स्टैट्यूटरी रीजंस दैट इट शुड बी टिल 10th? उसके पीछे एक लॉजिकल रीजनिंग होगी। यस सर,
तो जो मैं आपकी बातों से समझ पा रहा हूँ वो लॉजिकल रीजनिंग बहुत सिंपल है कि हर बच्चा जिसने 10वीं पास करी है वो यूपीएससी के एग्जाम में बैठ सके और उसको 10वीं क्लास तक का मैथ्स आए, क्योंकि 10th क्लास के बाद जनरली जो इंडियन बोर्ड्स या इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, 10th क्लास के बाद सब्जेक्ट्स को चूज करा जाता है। तो मतलब मेरी स्पेशलाइजेशन इन अ पर्टिकुलर स्ट्रीम कम्स आफ्टर 10th, तो इसका मतलब यह है कि जो बेसिक 10वीं तक का मैथ्स है उसके ऊपर ही पेपर बनाया जाए ताकि हर कोई उसको अटेम्प्ट कर सके। क्या आप भी यही कहना चाह रहे हैं? यस सर, आई मीन सर, स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एग्जामिनेशन सर। सर आई मीन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट इज टू टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट सर, बट यूपीएससी इज टेस्टिंग टेक्निकल एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट सर। सर अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी रिपोर्ट्स रिसेंटली इट वॉज रिलीज इन द पार्लियामेंट, दे टोल्ड दैट सिविल सर्वेंट्स एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन द कॉमन पीपल एंड गवर्नमेंट, दे शुड हैव सम एसेंशियल क्वालिटीज लाइक एम्पथी, सिंपथी, कंपैशन एट्सेट्रा। सो वी आवर इज प्रिपेयरिंग द क्वेश्चन पेपर्स एंड यूपीएससी वाइल कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन दीज फैक्टर्स शुड बी टेकन इन टू कंसिडरेशन। यस, बिकॉज जो कार्डर है, कार्डर सिस्टम जो यूपीएससी के बाद भी मिलता होगा, जैसे कोई आईआरएस बन रहा है, कोई आईपीएस बन रहा है, कोई आईएएस बन रहा है, तो उन सब का एक टेक्निकल ट्रेनिंग बाद में होती होगी या ओरिएंटेशन भी बाद में होती होगी। बट सिलेक्शन प्रोसीजर का आपका कहने का मतलब है कि जो 10वीं क्लास तक का मैथ्स है वो 10वीं क्लास तक का ही आना चाहिए। बट सुप्रीम कोर्ट इसको डायरेक्टली लेगी नहीं एज रिट, क्योंकि 32 की जो लिमिट्स हैं, आर्टिकल 32 की, वो बहुत लिमिटेड हैं। तो फिर इसके अंदर आप लोग अभी किसी हाई कोर्ट गए हैं, मतलब आप पर्सनली किसी कोर्ट में गए हैं अभी? सर हम लोग सुप्रीम कोर्ट को गए थे सर, आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था फर्स्ट गो टू हाई कोर्ट, कॉम्पिटेंट हाई कोर्ट। ओके, तो कॉम्पिटेंट हाई कोर्ट बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट बनेगी, क्योंकि आप लोग अभी मतलब यूपीएससी की तैयारी दिल्ली से कर रहे हैं, यूपीएससी भी दिल्ली में ही है, तो बेसिकली रिस्पोंडेंट्स की जो लोकेशन या हेडक्वार्टर्स हैं, देयर बेस्ड इन दिल्ली। सो अभी आप बेसिकली मांग क्या रहे हैं, जैसे आप कोर्ट जा रहे हैं तो आप कोर्ट से मांग क्या रहे हैं? सर हम लोग कोर्ट से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज फॉर्म एन एक्सपर्ट कमिटी, एक्सपर्ट कमिटी तय करेगा क्वेश्चंस, वेदर क्वेश्चंस आर आउट ऑफ सिलेबस है कि नहीं सर। अगर एक्सपर्ट कमिटी डिसाइड करता क्वेश्चंस आर फ्रॉम आउट ऑफ सिलेबस, देन प्लीज ड्रॉप दोज क्वेश्चंस, डिस्ट्रीब्यूट दोज मार्क्स टू अदर क्वेश्चंस। सो वी वांट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स। नहीं, बट इसके अंदर पॉइंट ये है कि मान लीजिए अगर 100 लोगों ने यूपीएससी का पेपर दिया, तो उसमें से कुछ लोग तो मेरिट में आए होंगे, तो उन्होंने वो क्वेश्चंस कैसे कर लिए, मतलब हाउ वर दे एबल टू सॉल्व इट? सर इट बिकम कंप्लीटली लक बेस्ड एग्जाम सर, दिस इज नॉट सिविल सर, इट इज नॉट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इट बिकम कौन बनेगा करोड़पति एग्जाम हो गया सर, पूरा आउट एंड ऑफ लक बेस्ड एग्जाम सर। एट दैट टाइम आप कौन सा क्वेश्चन चूज कर रहे हैं यही आपका, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है या अकाउंटिंग के जो सवाल है, ऐसे जितने भी पेपर होते हैं, जैसे सीए का एग्जाम है उसमें कैलकुलेटर्स अलाउड हैं, कैट के पेपर में भी कैलकुलेटर अलाउड है, और उसमें भी टाइम बेस्ड एग्जाम होता है, तो आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउड होता है यूपीएससी के एग्जाम में? नहीं सर। और फिर 2 घंटे के अंदर आपके कहने का मतलब ये है कि विदाउट कैलकुलेटर यू हैव टू सॉल्व सिमिलर कैटेगराइजेशन ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच वर नॉट इवन पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन। So that means not only it was out of syllabus, you were not also well equipped to, what should I say, give the exam. Yes, sir. But मैंने आज तक तो सुना नहीं है कि यूपीएससी में 10th के बाद के एग्जाम्स आते हैं, मतलब ऐसा इशू पहली बार हो रहा है क्या? सर दिस ईयर इट बिकम वेरी इंटेंसिफाइड सर, इससे पहले भी एक दो क्वेश्चन होता था सर, लेकिन सबके अंदर एक डर है कि हम यूपीएससी से कैसे लड़ेंगे। एक इंप्रेशन है सर यूपीएससी इज ए डिवाइन ऑर्गेनाइजेशन, तो यूपीएससी गलती कर ही नहीं सकते। नहीं, बट यूपीएससी तो डीओपीटी के अंडर आता है ना, यूपीएससी इज एन आर्म ऑफ डीओपीटी। यूपीएससी गलती कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, गलती तो हर किसी से हो सकती है, मतलब गलती एनीबडी हुज अ ह्यूमन, ह्यूमन विल ऑलवेज हैव एन एरर। बट क्वेश्चन इज इससे आप लोग कैसे इफेक्ट होंगे, इससे जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो कैसे इफेक्ट हो रहा है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस की वजह से? हाँ, मतलब आप लोगों को क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब चलो ये एक बात मान ली कि आपको मेरिट नहीं मिला, दूसरा क्या इससे क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स दैट आर गोइंग फॉरवर्ड बिकम्स लक बेस्ड? यस सर, रियली
सर एक्चुअली दिस इज जस्ट क्वालिफाइंग पेपर सर, क्वालिफाइंग पेपर टफ कर दे रहे सर। सो रियल स्क्रीनिंग वॉज एक्चुअली हैज़ टू हैपन इन जीएस पेपर वन सर। वी आर गेटिंग मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर गेटिंग मोर देन 100 मार्क्स सर, बट दे आर आउट ऑफ रेस, दे हैव नॉट गिवन फॉर मेन्स एग्जामिनेशन जस्ट बिकॉज आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए और आप कर नहीं पाए। इसका मतलब जो सेंसिबल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज को पढ़ा हुआ आदमी है, बेसिकली आईएएस को कहा जाता है कि ही इज बेसिकली अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग अराउंड, वो एडमिनिस्ट्रेटिव को एक्टिविटीज को देखेंगे। एंड जीएस के अंदर तो कुछ भी पूछा जा सकता है, मतलब जीएस इज अ ओपन पेपर जनरल स्टडीज, उसमें साइंस भी आ जाती है थोड़ी बहुत, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स भी आ जाता है। तो आपके कहने का मतलब यह है कि ज्यादातर बच्चे जीएस के पेपर में पास हैं, लेकिन ये जो सीसेट का पेपर है इसमें बाहर के सवाल है, उसमें पास नहीं है। चलिए, आई विश यू ऑल द बेस्ट, बट इसको आप लड़िए और वट एवर सपोर्ट पीपल ऑफ इंडिया कैन गिव यू दे शुड गिव यू, बिकॉज आप लोगों की मांग गलत नहीं है। बट इसके अंदर ये भी हो सकता है कि अगर किसी बच्चे का लास्ट चांस था पेपर देने का, तो उन लोगों को एक एक्स्ट्रा चांस दे दिया जाए, पुराने रिजल्ट्स को कंटिन्यू रखा जाए। देखिए, क्योंकि सरकार के लिए भी पूरे एग्जाम को रिकंडक्ट कराना इजी नहीं होता है, इट विल क्रिएट अ बिगर ह्यू एंड क्राई कि भाई सिलेक्टेड कैंडिडेट्स डीसेलेक्ट हो गए। सो फिर पूरे रिजल्ट को चेंज करना इज डिफिकल्ट, बट आप लोगों को एक एक्स्ट्रा चांस दे दिया जाए जो लोग का लास्ट चांस है उनके लिए। बाकियों के लिए तो शायद वो अगली बार से सीसैट की तैयारी और अच्छे से कर लेंगे कि उन्होंने कैट का पेपर पढ़ के जाएंगे वो लोग, दो दे आर नॉट दे शुड नॉट बी रीडिंग इट बट दे विल डू इट। सो इस हिसाब से तो ये समझ आता है कि अगर पुलिस का एग्जाम देने गए हैं तो आपको हार्ट की सर्जरी करनी आनी चाहिए, सो दैट आप दोनों तरफ के जैक्स ऑफ ऑल ट्रेड बन जाएं। बट आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें अगर आएंगी तो बच्चे परेशान तो होंगे, रिजल्ट्स इफेक्ट होंगे, बच्चों के फ्यूचर्स इफेक्ट होंगे। आप यूपीएससी के एग्जाम की बात कर रहे हैं, लेकिन कल को अगर 10th क्लास या 11th क्लास के एग्जाम्स में भी बाहर से पेपर में कुछ आने लग गया तो बच्चों का तो पूरा फ्यूचर स्पॉइल हो जाएगा, क्योंकि उनको कॉलेजेस ही उसी बेसिस पे मिल रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।